हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 6 तारीख है और मैं वक्रांगी पे एक नया अपडेट लेके आया हूँ। थोड़ा डिलीवरी परसेंटेज इसमें हाई लग रहा है और वेटेड एवरेज वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है, साथ में किडनी सीजी पैटर्न भी बना है। तो सोचा कि लगता है कि यहाँ से एक बार अप लेना हो सकता है वो बनाए, क्योंकि पिछले टाइम ये बहुत लोगों को रिभांस था कि आप सर्किट में चला गया था तब आपने बताया था, तो अभी कोई सर्किट में नहीं है, सिर्फ 0.029 का प्लस और यहाँ देखेंगे तो BSE में माइनस है। तो शायद यहाँ पर पोजिशन लोग बना रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। वॉल्यूम देखेंगे तो 54, 55, 56 लाख, 75 लाख का ऐसा चल रहा है। और लास्ट 4 तारीख को भी देखेंगे तो आपको वॉल्यूम 41 लाख का यहाँ पे हुआ है। तो इससे एक पता चलता है कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम पैटर्न एक अच्छा खासा वक्रांगी पे बन रहा है। इसी प्राइसिंग देखें तो जहाँ प्रीवियस क्लोज 34-30 पे हुआ था, आज का 33-70 का हाई लगाया, लो लगाया और 34-90 का हाई लगाया और लो की और हाई की और क्लोजिंग दिया 34-40 का। इसलिए एक पॉजिटिव पैटर्न दिख रहा है मुझे। और दूसरा में आप देखेंगे सेंटीमेंट में भी 75% बाय है वो, तो यहाँ एक देखिए। दूसरा डिलीवरी परसेंटेज देखिए, अभी प्राइस टू बुक वैल्यू 1.40, डिलीवरी परसेंटेज देखिए 42, 43, 41, 42, अब ये 19-20% नहीं रहा, 42% जा चुका है। तो पहले उस समय जहाँ ट्रेडर दिख रहा था, अब यहाँ इन्वेस्टर लगता है कि यहाँ अपनी पोजिशन बना रहे हैं, तो वक्रांगी में बाइंग चालू हो चुकी है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप चाहें तो 30 का स्टॉप लॉस लगा करके बाय कर सकते हैं। अब मैं दूसरा और एक चीज, वेटेड एवरेज जब मैं इसका देख रहा था तो आप देखेंगे वेटेड एवरेज वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज बोलता है 34 रुपये 32 पैसा, वहां से 8 पैसे ऊपर 34-40 पे क्लोज दिया है। यह भी एक पॉजिटिव सिग्नल है, यहां पे भी बाइंग देख रही है। कल की बात करें, जब क्लोजिंग जिस दिन की क्लोजिंग हुई उस दिन की बात करें, 4 जनवरी की बात करें, तो टोटल 41,81,000 का वॉल्यूम हुआ और उसमें से 17,32,160 की डिलीवरी गई, मीन्स 41% की डिलीवरी है। और शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग आपको बताया है, इसमें कोई खास FI का थोड़ा डिक्रीज सेप्टेम्बर में हुआ था, ये सेप्टेम्बर का रिपोर्ट है, प्लीज में कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल हेल्ड इन वन म्यूचुअल फंड स्कीम में है और FI के पास इसमें 17% है, अभी थोड़ा गिरा है, 411 से FI की होल्डिंग यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे रही थी। LIC के पास है, अपने पास LIC की होल्डिंग है, इसमें LIC के पास पोजीशन बना हुआ है इसमें। और वापस एक बार चार्ट पे मैं भी देख रहा था तो ये देखिए कैंडल से पैटर्न टाइप का कैंडल बना है, तो यहाँ पे एक बार हो सकता है ये फिर से अपवर्ड ले। तो इसका अगर स्टॉप लॉस मैं बोल रहा था 30 के आसपास जो भी रहे यहाँ पे, इसका ये अगर इसको नहीं तोड़ता है, इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता है तो अच्छा रहेगा। तो आप 30 के स्टॉप लॉस से इसको बाई कर सकते हैं एक बार शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस पर बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए और फिर से वापस अगर ये जाएगा तो आपको वापस ये जैसे बनाया था ऊपर 38-39 तक, वहाँ तक जाएगा ही जाएगा। और आप कभी भी आप देखेंगे मेरे अंदाज से प्राइस फॉलोअप पैटर्न जो है ना खत्म हो चुका है, अब टाइम पैटर्न पे इस पे काम करेगा। प्राइस पैटर्न मतलब अब प्राइस में जितनी फॉल देखनी थी, जितनी शॉर्ट करनी थी वो कवर हो चुका है, अब इससे ज़्यादा कोई इसको शॉर्ट नहीं करेगा और इससे ज़्यादा नीचे शॉर्ट जाएगा नहीं। तो प्राइस पैटर्न कवर हो चुका है, अब टाइम पैटर्न है कि यह टाइम लेता है, थोड़ा टाइम लेकर के अब जाएगा। तो अब टाइम पैटर्न पे ये अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से अब वो धीरे धीरे अब करके अब कम से कम लगभग कहेंगे इस पैटर्न से 16-8-2014 मतलब अगस्त 2018 से एक टाइम पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करें। इनफैक्ट आप यहीं से बात करें तो 30 मई 2018 से ये फॉलोअप कर रहा है, तो लगभग आपको यहाँ से 30 में से आज आपका 7-8 महीना हो चुका है। तो हो सकता है कि एक बार यहाँ से ऊपर सर्च की ओर दिखाए और आपको 71-72 के लेवल को भी टच करके दिखा सकता है। और जैसे डिलीवरी बता रहा है, डिलीवरी बता रहा है आपको 40-42% में, तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव सही सिग्नल है, बाइंग सिग्नल यहाँ पे बता रहा है। तो वक्रांगी में एक सिंपल सा छोटा सा न्यूज़ था और शायद ही इनका कोई मैसेज भी आने वाला है 14 जनवरी के आसपास कि ये कोई 14,000 न्यू रिटेल आउटलेट ये ओपन करने वाले हैं, ऐसा मीडिया में खबर है कि इनका जस्ट अनाउंसमेंट आने वाला है। तो उससे भी एक शेयर मार्केट में इससे शेयर वैल्यू में आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से था, कोई भी पोजिशन बनाने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।